अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वेलकम टू माय होम माय डियर सुमन। इतना हॉर्न बजाने के बाद भी कोई बाहर निकल के देख नहीं रहा कि हम आ गए। चलो अंदर चल के देखते हैं। अरे क्या चलते, बैग उठा। अब वो भी मैं उठाऊ? तू नहीं उठा सकती। हाँ ये क्या, हाँ चलो ना। घर में स्वागत करते हैं उसका जिसने इस परिवार की लाइफलाइन को, हमारी धर्मपत्नी और हमारे बच्चों की मां सुरभि जी को खतरों से बचाया। स्वागत है बेटा आपका। बिल्कुल सही कहा पापा आपने। मां हमारे घर की लाइफलाइन है और सुमन ने हमारे घर की लाइफलाइन को और भी स्ट्रांग बना दिया। छोटी मां, भैया ने अकेले नहीं किया है। यही होता है परिवार, हमने तो कभी परिवार देखा ही नहीं। शायद यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी है। चिपक गई, फुल चिपको है और कैसे चहक रही है। इसकी चमक फीकी करनी पड़ेगी सर जी। नंदिनी, सुमन को अपने कमरे में ले जाओ। जी माँ। चले जी, वो हम कार से जरा अपना सामान ले आए। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। एक सेकंड, नंदन चाबी। कंफर्टेबली पहुंच गई थी तुम?
आई होप रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सुरभि माँ थी ना साथ में, रास्ते का पता ही नहीं चला। बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना ली है तुमने माँ के साथ। माँ वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी शुरुआत में दिखी थी। माँ जैसी भी होती है लेकिन कभी गलत नहीं होती। जिसके लक्षण ही सही नहीं हो वो लड़की सही हो नहीं सकती। गई थी ना माफी मांगने उससे, हो गया। उसको सर पे बिठा के घर पे लाने की क्या जरूरत थी? उम्र का तजुर्बा कदमों की आहट पहचान जाती है। Excuse me. Hello? बेटी की शादी है, सूरज देवता डूब रहे हैं और तुमको समय का कोई ख्याल नहीं है उसके चक्कर में। अरे पहली बार मिली तो हमारी बेटी का रिश्ता टूट गया, आगे सामने क्या क्या हो जाए। दीदी ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो क्या भगवान हो तुम, गारंटी लेती हो तुम है? अरे कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? तो आप जो भी चाहे सजा दे दीजिएगा दीदी। क्या हो रहा है ये सब कुछ? हाँ बड़की बहू क्या हो रहा है? बाबूजी सुन रहे हैं क्या बोल रही है छोटकी? जैसे हम तो हमेशा सजा ही सुनाते रहते हैं। हाय रे पिता तो, अरे सजा तो हम भुगत रहे हैं विधवा होने का। कुल के बेटी की शादी में कुछ भी नहीं हो सकते हम तो। डर के मारे कि कहीं हमारा ही साया उकिल श्राप न बन जाए। हाय रे विधाता, हाय रे विधाता। दीदी अरे तुम तो चुप ही रहो जी। हम कह देते हैं आफत की पुड़िया है वो बाबूजी, आफत की पुड़िया। बाबूजी सुमन के बहुत एहसान है हम पर। सुमन की वजह से सुरभि जी की जान बची। सुमन की ही वजह से आरती बिटिया का टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ा। और सुमन की ही वजह से आपके सम्मान में आरती बिटिया के सास ससुर आपसे आकर माफी भी मांग के गए। बाबूजी इतनी सारी बातों को हम नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? तो माथे पर रख के नाचिए ना उसे, घर तक क्यों लेकर आए? जो कि हमारी छोटकी उसके चक्कर में उसकी स्कूटी पे बैठ के खुलेआम पटना का चक्कर काट के कटवा के आ गई है। उसके साथ स्कूटी पे बैठ के थोड़ी जिंदगी क्या जी आए हम? धन की नाक कट गई थी, लड़की भले या अनाथ है दीदी पर संस्कारों की कमी नहीं है उसमें। अरे वाह छोटकी, उसके संस्कार तो कुछ कुछ तुम में दिखाई देने लग गए। एक ही मुलाकात में जवाब देना सिखा दिया। खानदान के मान के लिए विधवा धर्म अपनाए हम, ताकि राय बहादुर की विरासत पे कोई आंख उठा के नहीं देख सके। और हमारी तो किसी को परवाह नहीं है। ठीक है जो मन में आए करो करो। बाबूजी अब भाभी को समझाइए। राय बहादुर खानदान की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रहे। Thank you.
भाग लेकर आ गई तुम। भाई तो तुम नंदनी का कमरा ढूंढ रही हो, है ना? बिल्कुल। अब हम तुम्हारा कमरा तो ढूंढेंगे नहीं, इसलिए नंदनी का ही ढूंढ रहे। मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था, लेकिन तुम तो छोड़ो, तुम्हें नंदनी का कमरा दिखा दूंगा। यहां से ना इस सीढ़ियों से सीधा ऊपर जाओ और फिर राइट जाओ और फिर राइट लो और फिर लेफ्ट में नंदनी का कमरा मिलेगा तुम्हें। लेफ्ट में? हाँ वहां। हाँ एग्जैक्टली मॉम। थैंक यू। थैंक यू नहीं जी, गुड बाय। क्योंकि अब आएगा मजा बेचारी। नंदनी का कमरा। नंदनी, तुम्हारा घर है कि पटना कंकड़बाग का मोहल्ला, खत्म ही नहीं होता। नंदनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की, बोलो। अरे मुंह में दही जमा लियो का। दीदी गलती से आ गई होगी। बड़ी गलतियां होती हैं इससे तो। ले तो आइयो इका यहाँ, समझा देना इका कि घर में गलती से भी गलती करने की इजाजत नहीं है। क्योंकि एक गलती ने हमारी बेटी आरती की आंखों में आंसू भर दिए, घर की शांति चली गई, राय बहादुर खानदान की नाक कट गई। समझा देना इका कि अब इकी कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुके पड़ी माँ, वो लोटे में बिच्छू है, वो देखिए। हाय विधाता, ये बिच्छू कहाँ से आ गया लोटे में? दीदी फूलों के साथ बगीचे से आ गया होगा, इस मौसम में आ ही जाते हैं। बड़ी बात यह है कि आपको डंक नहीं मारा इसने। कितनी अजीब किस्मत है ना इस लड़की की बड़ी माँ। ये कुछ भी करती है तो हम सबको लगता है कि गलत है, लेकिन हो सही जाता है। थैंक यू सुमन, तुमने पहले मेरी माँ को खतरे से बचाया और अब मेरी बड़ी माँ को। तो हमारे परिवार पे एहसान पे एहसान किए जा रही हो माँ। आप सुमन को नंदनी के कमरे में ले जाए। आज तो भोलेनाथ जी ने हमें बचा ही लिया, वरना न जाने क्या हो जाता। तो दीदी के कमरे में कैसे पहुंची? तुम्हें तो नंदिनी के कमरे में जाना था ना। नंदन ने तुम्हें नंदिनी के कमरे का रास्ता बताया फिर दीदी के कमरे का? ये चुप
काटी माँ के सामने मेरा नाम ना ले ले। उसने तो शायद रास्ता सही बताया था। वो इतना बड़ा घर है ना, हम ही कंफ्यूज हो गए। कोई बात नहीं, एहसान मंद हो गए हम तुम्हारे। अब तुमसे बदला कैसे लेंगे हम? मिस सुमन, मां को सच ना बता के अगर तुम ये सोच रहे हो तो गलती कर रही हो, क्योंकि नंदन अपना टशन कभी नहीं भूलता और ना ही मुझे ऐसे फेवर का कोई फेवर चढ़ता है। जम तो अभी शुरू हुई है। राय बहादुर, कहाँ है राय बहादुर? की तारीख ये कमीज से इंस्पेक्टर है हम, इंस्पेक्टर लखन झकास। कहाँ है राय बहादुर? हम यहाँ हैं। केतारी, तुम कब आए? होश में तो अभी आए छोटी मालकिन। शादी का घर है, दरभंगा से भर भर कर अनाज और मखाना लाए छोटी मालकिन। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन बारात आने का समय हो गया है, पीछे के दरवाजे से अंदर रखवा दो। जी मालकिन। चल। कि बैंगल्स मैच क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये बैंगल्स हमारे हैं मिस नंदिनी, ये रहे तुम्हारे बैंगल्स। तो अब टाइम आ गया है दुनिया को दिखाने का। हेलो फ्रेंड्स, तो हम इस वक्त लाइव हैं भागलपुर से और जैसा कि आप देख रहे हैं माहौल है वेडिंग का। अब हम आपको सबके दर्शन करवाते हैं। देखिए लड़कियों को, जिन्हें जाना तो है बारातियों का स्वागत करने, लेकिन तैयार ऐसे हो रही हैं जैसे बारातियों को इनका स्वागत करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। करना तो है संगीत, लेकिन देखिए तैयार तो ऐसे हो रही हैं जैसे रैंप वॉक की तैयारी हो। नंदिनी हाय बोलो। नो 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 सुमन, दिस इज नॉट फेयर। अब गर्ल्स रेडी नहीं होगी तो कौन होगा? जाओ प्लीज। रेखा, रेखा से हाय। नो नो सुमन, प्लीज नो। तो मैडम भागलपुर में है और हमें पता भी नहीं। सुमन, तूने मुझे टैग क्यों किया था? मैं सोशल मीडिया को अवॉइड करती हूँ। नंदिनी पकड़ अपना फोन। अरे और कितना टाइम लगाओगी? बारातियों के स्वागत में लड़कियां नहीं होंगी तो क्या शोभा होगी? चलो ये नंदिनी को अचानक क्या हो गया? किसी के नजर न लगे मेरी बच्ची। माँ के मन का वहम कब जाएगा छोटी माँ? बेटा वहम होता तो शायद चला भी जाता, लेकिन दीदी के लिए अभी वहम नहीं रहा। एक नियम, एक रीत बनके उनके स्वभाव में शामिल हो गया है। और बेटा जो स्वभाव होता है ना, बहुत मुश्किल से बदलता है। नंदिनी ने आखिर ऐसे क्यों रिएक्ट किया? कुछ तो बात है।
लो। टशन भी और प्रोटेक्शन भी। दादा क्या है? वो तो तुम बताओगे, रास्ता तुमने रोका है, हमने नहीं। नहीं सर, सर क्या लगता है तुमको? माँ से झूठ बोल के तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है, और मेरे अंदर हाय तुम्हारा एहसान वाली फीलिंग आ जाएगी और मैं तुमसे इंप्रेस हो जाऊंगा। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। गलत फहमी वो तो तुमने पा ली है कि हमने तुम्हें इंप्रेस करने के लिए ये सब किया है। तो ऐसा है मिस्टर गलत फहमी, उस गलत फहमी की पुड़िया को घोल के पी जाओ। क्योंकि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे और तुम्हारे बीच कोई तीसरा आ जाए। दशन, मतलब जो बदले की आग है दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, क्यों मजा आएगा? बदला वो तो बुद्धुओं के दिमाग में आता है, या फिर जो सिक माइंड होते हैं, यू नो सिक माइंड। अभी से बुखार चढ़ गया। देखो मिस्टर, हमें ना बीमार दिमाग को ठीक करके उसे सही जवाब देना आता है। ये बदला बदला क्यों? बदले से डर गई क्या? डर तुमसे? होरीनाथ जी ने ना इतने बुरे दिन भी नहीं लाए हमारे लिए, है ना? मैं बदला लेना है ना तो लो ना, हमने कहा रोका है। मगर एक चीज याद रखना, हमारा जवाब डबल अटैक से होता है, सो उसके लिए तैयार रहना। ओके मिस्टर गलत फहमी। अरे सुरभि माँ, आप माँ